SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। मौशी बहरान पर काबू पाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी आज दी जाएगी। कमेटी को मौजूदा मुआशी और इक्तिसादी सूरतेहाल के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के ज़ेर-ए-सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ जावेद शहजाद से। जावेद, बताइएगा आज अहम मंजूरी दी जाएगी। जी बिल्कुल जी, एपेक्स कमेटी का आज दूसरा जो दूसरे दिन का दूसरा दौर आज वज़ीर आज़म की सदारत में शुरू हो चुका है। इजलास में जो कमेटी के मेंबरान हैं वो भी पहुंच चुके हैं और आज के इस इजलास में माशी और इक्तिसादी बुरान के खात्मे के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि कल का जो इजलास हुआ था उसमें जो रोड मैप तैयार किया गया था, उस रोड मैप के जितने भी पहलू हैं उन पहलुओं पर तकनीकी ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आज़म नए रोड मैप की मंजूरी की भी मंजूरी का ऐलान भी करेंगे और इस हवाले से वज़ीर आज़म अपना अहम खिताब भी कर रहे हैं जिसमें माशी और इक्तिसादी बुरान के खात्मे के लिए एपेक्स कमेटी में होने वाले जो फैसले हैं उनका ऐलान भी करेंगे और ये इजलास है और ये एक घंटे तक मजीद जारी रहने का इम्कान भी है। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया। जावेद शहजाद इस इजलास से मुतालिक बता रहे थे।